वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ बहुत दिन के बाद एक रेसिपी लेकर आई हूँ, वरना अभी तक मैं व्लॉग ही शेयर कर रही थी। तो आज मैं चीज़ी चिकन बंस बनाऊंगी और बहुत ही परफेक्ट सॉफ्ट और स्पॉन्जी बिल्कुल बन के बंस तैयार होंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग है और खाने में भी बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट बने हुए हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए। इन्ग्रीडियंट बहुत सिंपल और ईजी हैं। तो आप इसके लिए सबसे पहले लेंगे मेजरिंग कप से 3 कप के जितना मैदा लिया जाएगा इसके अंदर, और इसको ना पहले चाल लें तब यूज़ करें, तो उसके बाद इससे अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो 3 कप मैदा ले लेना है यहाँ पे, मैंने ले लिया है 3 कप। तो 2 कप लिया, ये अब 3रा कप डाल रही हूँ। और इससे परफेक्ट बन की जो रेशियो है वो मैं बता रही हूँ, उसके हिसाब से आप इसका हाफ़ कर सकते हैं। उसके बाद 1/4 टीस्पून सॉल्ट जाएगा, सिर्फ 1/4 टीस्पून ही मैंने डाला है। और उसके बाद इसको सॉल्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ताकि जो सॉल्ट है अच्छे तरीके से मैदे में हर जगह मिक्स हो जाए। और इसके बाद इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे सेंटर में, और उसके बाद इसमें गुनगुना पानी डाल देंगे। ठीक है, गुनगुना पानी देखिए थोड़ा ही सा मैंने डाल दिया है, 1/4 के करीब। और उसके बाद इसमें चीनी 2 टेबल स्पून डाल देना है, और चीनी को हल्का सा मिक्स कर लें ताकि थोड़ा सा घुल जाए। और उसके बाद ये खमीर डाल देना है, ईस्ट किसी भी शॉप पे आपको, जो कलनरी वाला शॉप्स होते हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। और उसके बाद 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल देना है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे जितनी ज़रूरत हो। और पानी देखिए इसका जो डो होता है बेसिकली थोड़ा सा स्टिकी, हल्का सा स्टिकी होना चाहिए, हार्ड डो नहीं गूंदना है, सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी और बिल्कुल स्टिकी सा डो होता है। तो उसको गूंदते हुए फिर हम लोग एकदम परफेक्ट डो बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ, हल्का सा, जब ये स्टिकी डो देखे आप तैयार हो गया है, बिल्कुल स्टिकी लग रहे हैं ये। तो जो बंस के डो हैं, और इसके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप परफेक्टली डो को गूंद लें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बिल्कुल लाइन से बता रही हूँ। अभी ये स्टिकी डो रेडी हो गया, आप थोड़ा सा ऑयल डालें क्योंकि डो स्टिकी है तो ये प्रिवेंट करेगा स्टिकनेस से। और उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा गूंदेंगे ताकि थोड़ा सा जो डो है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, 4 से 5 मिनट मैंने गूंदा। उसके बाद इसको इस तरीके से इसमें ढक्कन लगा के 2 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ये 2 घंटे के अंदर गर्म जगह पे रखे फूल जाएंगे। ठीक है, तब तक स्टफिंग बनाते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, और पैन में मैंने 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने चिकन चॉप किया है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ के, उसको मैंने ऑयल में डाल देना है और इसको फ्राई करना है जब चिकन की पीसेस बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है, पिंक से ये वाइट हो गया है। तो अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, और उसके बाद जब जिंजर गार्लिक की रॉय स्मेल चली गई तो उसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे नमक और काली मिर्चों के पाउडर। तो ये काली मिर्चों के पाउडर मैंने डाले पहले, और उसके बाद इसमें हम लोग अब नमक ऐड कर देंगे, ज़्यादा नमक नहीं जाएगा। तो देखिए मैंने ज़रूरत के हिसाब से आपको जितना लगे टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर दें। और इनके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे, पका लेंगे ताकि जो पानी है वो सूख जाए चिकन का, चिकन थोड़ा सा पक जाए। तो अब देखिए, अब इसमें मैंने डाल दिया 1 लार्ज साइज़ की चॉप्ड अनियन लिया है, वो मैंने चिकन में ऐड कर दिया, और कोई स्पाइसेस मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मैं सॉस ऐड करूँगी। तो इसको भी पका लेंगे, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे, ट्रांसलूसेंट होने देंगे इस तरीके से। तो उसके बाद अब हम लोग इसमें 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप के डालेंगे, फिर इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगे और सोया सॉस डालेंगे। तो उसके बाद अब मैं थोड़ा सा सोया सॉस डाल दे रही हूँ, 1/2 टीस्पून, और उसके बाद ग्रीन चिली सॉस। इन तीनों को डालने के बाद अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप स्टफिंग अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, कई तरीके से बन सकता है, तंदूरी बन पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं इसी तरीके से, और वो भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
अब ये सारे सॉस बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया इनके साथ, तो गैस ऑफ कर दिया मैंने और फ्रेशली चॉप्ड हरी धनिया डाल दी। हरी धनिया मैंने डाल दी, वैसे स्प्रिंग अनियन हो तो उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है, तो स्प्रिंग अनियन मुझे मिला नहीं इस वक्त, तो फिर मैंने धनिया डाल दी, इसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और ये स्टफिंग रेडी है, गैस ऑफ करके इसको ठंडा करके साइड में रख लें, एक कटोरी में निकाल लें। तब तक आप डो देख सकते हैं, 2 घंटे के बाद इस तरीके से फुल प्रूफ हो चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल डबल सा हो गया है। अब इसके बाद जो एक्सेसिव एयर है उसको रिलीज़ करेंगे, थोड़ा सा पंच करेंगे और थोड़ा सा डो को स्मूथ करेंगे और इसके बाद छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लेंगे। मैं एक बना रही हूँ फिर मैं दिखा दूँगी। वैसे ही हल्का सा मैं ऑयल लगा ले रही हूँ क्योंकि बहुत स्टिकी डो है, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा स्टिकी डो है। और उसके बाद आप देखें इस तरीके से सॉफ्टनेस होनी चाहिए डो की। अब आप साइज़ देख लीजिए, इतनी मैंने ली है, जैसे पतली रोटियाँ बनाते हैं उतनी मैंने ले लेनी है रोटी के साइज़ की लोई। और इस तरीके से बॉल्स मैंने रेडी कर ली, स्टफिंग भी रेडी है। अब क्या करना है आपको, तो एक बॉल लेना है बीच में और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अच्छा, नीचे मैंने ऑयल नहीं लगाया था तो बाद में चिपक गया था, तो वापस मैंने निकाल के इसमें ऑयल लगाया। आप ऑयल लगाएं या फिर सूखा आटा लगा लें, ठीक है, तो कुछ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इसमें स्टफिंग डाल दिया, स्टफिंग मैंने यहाँ पे 1 चम्मच स्टफिंग डाली है। इसमें अच्छे से डाल लें इसको और बहुत ज़्यादा ना इसको स्टफ़ कर दें कि फिर ये बॉल बन ना पाए, क्योंकि फिर इसको आपको बंद करने में दिक्कत होगी। और उसके बाद प्रोसेस चीज़ यहाँ पे है, कोई भी आप डाल दें, चेडर चीज़, प्रोसेस चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़ डाल दें। और उसके बाद इसको हम लोग टाइटली क्लोज़ कर देंगे, हल्के हाथ से इसको क्लोज़ करना है, बट अच्छे उसका जो एंड है वो अच्छे से स्टिक कर देंगे ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना आए, बिल्कुल अच्छे से बंस जो हैं वो सील हो जाए। ये हो गया इस तरीके से, हाथों में हल्का सा मैं सूखा आटा लगा रही हूँ ताकि ये ईज़िली बन जाए बिना चिपके। और उसके बाद इसको अब लोग प्लेट में निकालते जाएंगे। ये सारे मैंने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, इसमें जो है एग मैंने फेंट के रखा था, ब्रश कर दे रही हूँ ऊपर से, इससे जो है ब्रेड ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही बनाएंगे तो फिर ये ब्रेड ऊपर से बहुत हार्ड हो जाने वाली है, तो इसमें एग वॉश कर दिया। इसी तरीके से बाकी सारे बंस में हम लोग लगा देंगे एग वॉश। और इसका जो वेजिटेरियन वर्जन है अगर आप चाहते हैं तो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरीके से सारे यहाँ पे बंस जो हैं वो ब्रश हो चुके हैं। अब इसको प्री हीटेड ओवन में 250 डिग्री सेल्सियस पे 15 टू 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन हो जाएंगे इतने टाइम में ये। और हाँ, एंड में मैंने इसमें डाल देना है तिल, ये देखिए सेसमे सीड है ये, ऊपर से काफ़ी सारा मैं स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, हाफ हाफ टी स्पून के लगभग। इससे देखने में बहुत अच्छा सा लुक आता है एक तो ऊपर से, और दूसरा कि इसका टेस्ट भी अच्छा आता है सेसमे का। तो इसके साथ ही साथ इसमें अनियन सीड डाल दी हूँ जिसे कि कलौंजी भी बोलते हैं, तो वो डाल दिया, वो भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ऊपर से और बेकरीज़ वगैरह में इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं इनको। तो ये दोनों हो गए हैं, चलिए अब इनको बेक कर लेते हैं और बेक करने के बाद फिर हम आपको इसका जो फाइनल लुक है वो दिखाने वाले हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक, ये जस्ट बेक हो गया है, बहुत हॉट है अभी, तो इसको मैं ग्लव्स पहन के निकाल रही हूँ। इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, इसके ऊपर आप एक कपड़ा रख के इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने तो बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड बनते हैं। और आप जब ये बेक हुए हैं ना, एग वॉश लगाया है आपने, तो ये ऑलरेडी ब्रेड सॉफ्ट ही होगी, लेकिन फिर भी मैं इसमें ऊपर से ऑयल ब्रश करती हूँ। ऑयल ब्रश कर देंगे तो बिल्कुल ब्रेड सॉफ्ट से हो जाएंगे, आप देख सकते हैं अमेजिंग से सॉफ्ट बन तैयार हो चुके हैं। ऊपर से इसमें हम लोग बटर अप्लाई कर देते हैं ताकि ये और भी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी से बंस बनके तैयार हो जाएं। तो ये मैंने बटर लगा लिया, बटर का बड़ा सा पीस लेके मैंने लगा लिया है। बस ये आपके टेस्टी से चिकन बन तैयार है। मैं इनको आप पीछे का देख सकते हैं कलर और सॉफ्टनेस, आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं, और ये तोड़ने के बाद इस तरीके से है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।
सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।